हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेडी व्लॉग्स। होप गाइस आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस फिर से एक बार संडे गाइस मॉर्निंग राइड अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली गाइस आज भाई एक सब्सक्राइबर हमारे आने वाला है। एक आएगा, दो आएगा, अभी पता नहीं, बट एक बंदा तो आ रहा गाइस, कंफर्म है। गाइस आज हमारे भाई साहब दो सब्सक्राइबर आया गाइस, मतलब दो संडे से नहीं आ रहे बट फाइनली आज आए। देखो एक बाइक और दो स्कूटी खड़ी, एंटर को आपको दिखा दो। एंड धूप काफी आ गया भाई, बहुत लेट हो गया। पहली बार भाई अपने संडे राइड पे गाइस तीन गाड़ी है, एक अपनी बाइक है, दो एंटर गई अपनी एंटर गया एंड वो दूसरे भाई की। चलो दिखाता हूँ, ये तो अपनी एंटर को गई, ये अपना बजाज का भी एंड ये वाला एंटर गाइस चेक करो, मॉडिफाई पूरी एंटर कितनी प्यारी लग रही है। वाइजर भी है एंड कलर कॉम्बिनेशन देखो, एक साइड का पूरा रेड कर दिया भाई ने, दूसरे साइड का पूरा कर दिया है ब्लैक, तो काफी बढ़िया लग रहा है। बैक साइड से दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस, बैक साइड से भी काफी अच्छा और हजार डलवा रखा है। एक ये है नीरज भाई जो कि पहले भी आ चुके हैं एंड भाई दूसरे, आपका नाम विशाल भाई, फटाफट निकलते भाई, तो ना लेट कौन जाता, मतलब 8:30 हो गया बट ठीक है, फटाफट निकलेंगे यार यहाँ से, बहुत लेट हो चुका है। एक घंटा भाई इन्होंने लिया आने में और आधा घंटा उन्होंने, 7 बजे का टाइमिंग दिया था, 8 बजे आ रहे हैं। अब निकलते यहाँ से, वैसे हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके धौला कुआं से, 30 किलोमीटर मोर बच रहा अपना अरावली हिल्स। एंड लाइनअप देखो भाई, यहाँ पे अपनी एंटोर का गाइस रेस XP, ये है अपना बजाज का वी एंड ए मोडिफाई एंटोर का जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक साइड पूरा ब्लैक है, एक साइड पूरा रेड है, इस साइड से भी चेक करो भाई, काफ़ी अच्छा था। अभी इनका मरघाट निकाल निकाल के फेंका भाई यहाँ पे, तोड़ के पूरा मरघाट जो होता गाइस यहाँ पे लग लग के घिसने लगा था, बट ठीक है सारा दोनों साइड से मैंने खोल के निकाल के फेंक दिया। तो अब चलते यार, वैसे टाइम अपडेट आपको दूँ तो क्या ही टाइम दूँ, टाइम कितना हो गया तो गाइस टाइम काफ़ी लेट हो गया भाई साहब, 9:21 हो चुके हैं अभी और हमारा 30 किलोमीटर गाइस और बच रहा है। इसलिए रुके थे कि मेरा मरघाट ना भाई टूट का टायर में लग रहा था, काफ़ी घिस गया तो मैंने तोड़ के फेंका। देखो दिखाता आपको कौन सा, पूरा मरघाट इनका नीचे लग रहा था, एक तो ए रहा इसका पार्ट छोटा वाला एंड दूसरा देखो, तो भाई ने मरघाट लगा रखा था बट पूरा गाइस टूट गया, तो इसको निकाल के फेंक दिया। इससे बड़ा टायर में कोई प्रॉब्लम आया या दिक्कत है, इसका सारा फ्रंट का हटा दिया, तो ना लेट कर दिया गाइस। टाइम देखो भाई 9:30 हो गए, ग्रीन हेलमेट वाले ने भाई लिया 1 घंटा पूरा मेरा और इसने रेड वाले ने भाई लिया 40 मिनट, बहुत लेट किया यार। मतलब जब मैं निकलने वाला था मैसेज करता कि भाई आ रहा, रुक जाओ, बताओ ऐसे क्या होता है भाई। इतनी प्यारी लग रही है, भाई ने मॉडिफाई करवा ली, इनकी स्कूटी है, बहुत बढ़िया लग रहा है रेड एंड ब्लैक में। अबे आज के दिन में हो जाएगा तुम्हारा, इसको सेटिंग पता नहीं चल रही भाई, लग रहा है भाई आज तुम्हारे भाई का ना गला खराब हो गया ऐसा लग रहा है। स्कूटी चेक करो भाई, क्या ठीक लग रही है यार, भाई BMW ने भाई पूरा धूल धूल कर दिया गाइस, अबे दिख नहीं रहा, हम पैसे उड़ाते हैं लोग यहाँ धूल उड़ा रहे हैं, गलत आ गया क्या। चलो अपाची वाले से गाइस रेस लगाते हैं, Let's go, right? 91. Let's see कितनी आती है। रेस मोड में नहीं, स्ट्रीट मोड में है। 93. Guys, 93 में लॉक है। 93 is lock. Guys, 93 से आगे नहीं जा रहे स्ट्रीट मोड में भाई, सच में 93 से एक कांटा ऊपर नहीं है गाइस, एक कांटा। रूट ठीक है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है ना रूट, दिखाओ कितना बच गया और, बाप रे 19 किलोमीटर। चलो 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 चलो, तो गाइस अभी चेक किया है, फ्यूल लेना ये रहा बगल में आ जाओ। तो गाइस अभी चेक किया भाई साहब 19 किलोमीटर और बच रहा है एंड स्कूटी में भाई फ्यूल नहीं है तो फ्यूल डलवा लेता, पेट्रोल पंप अपना ये रहा। मेरे वाले में तो देखो काफ़ी है, मैंने डलवा लिया था अभी एक हफ्ते पहले, लगभग 350 का मैंने फिल करवाया था, तो अपने में चेक करो गाइस अभी 3 डंडी है, तो इसमें मान लो यार बहुत पेट्रोल, अपनी तो आराम से लगभग 200 के आसपास किलोमीटर इजिली चलने वाला है, इतना जो तो ऐसा लग रहा है खुल के ना गिर जा। भाई पता मैं थोड़ा कम भगाना बस गिरे ना, ये ट्रक चेक करो भाई, ट्रक है या पूरा मतलब कमरा है, चार तरफ से पूरा पैकेज चक्कर बॉक्स लग रहा है, देखो जूम करके दिखाओ, चेक करो भाई, भाई पूरा बॉक्स लग रहा है यार। तो गाइस अब प्रे करो कि भाई अब कहीं पे ना रुकना पड़े अपने को यार, काफ़ी स्टॉप ले लिया हमारा, तीसरा या चौथा ही स्टॉप था भाई, बस सीधा अब जाके भाई अरावली से जाके रुके गाइस, अब नहीं रुकना मेरे को भाई, बहुत लेट हो गया यार, 10 बज गए गाइस, आओ रेडी।
तो गाइस देखते हैं डबल निकलेगी वो निकलेगी। गाइस यार बजाज भी आगे निकल गई भाई नॉर्मल वोल्ट में, भाई जीत गया। स्प्लेंडर वाले को देख रहे हो भाई क्या भगा रहा है 91 से ऊपर। गाइस पहुंच चुके भाई अरावली हिल्स, मतलब यहाँ से थे वहां, जैसे हमने एंटर ली थी गाइस वहां से मुझे काफी पता था बट वहां पे जाएंगे बट सूर्य देवता देखो यार इतनी तेज निकल चुके हैं। बट फाइनली गाइस हम पहुंच ही गए मेन रोड से आया, बट ठीक है काफी मजा आया। एंड आप लोगों ने भी रेस देखा भाई कैसे एंटर भाई पीछे रह गई बजाज वी के मुकाबले, पीछे रह गई सच में गाइस, काफी अच्छी चली थी वो वाली। भाई को यार बंद मत करना, साइकिल गियर में चढ़ा लेना ठीक है, बस चढ़ा ही लेगा गाइस। इनसे बाइक यार मतलब प्रॉपर चलाने नहीं आते, मैं देखो मैं ले लेता हूँ। हाँ तो गाइस तो बाइक इनका भाई ले लेता हूँ, इनसे चढ़ेगी नहीं, हाइट देख के बोल भाई काफ़ी ऊपर है। एंड बाय चांस मान लो भाई गियर इनके अटक गए गाड़ी बंद हो गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। बाइक दे दो भाई, तुम्हारी बाइक लेनी पड़ेगी, अब स्कूटी चला लो बाइक ले जा रहे हो ठीक है। तो गाइस अपने को चढ़ाना भी वहाँ पे हाइट पे काफ़ी ऊपर, आपको ऐसे कम लग रहा है क्योंकि वाइड एंगल में, तो इनकी बाइक मैंने अभी ले ली है और अपनी स्कूटी वहाँ पे, तो पहले मैं जाऊँगा फिर पीछे से लोग आएंगे क्योंकि बाइक तो देखो चढ़ जाएगी, इनका नहीं पता था। चलो आराम से, मैंने बोला गाइस पहले मैं जाऊँगा बट पहले वही चले गए। चलो कोई नहीं आराम से चढ़ाना। तो गाइस हाइट तो भाई फील होता है, देखो आपको दिखा दो गाइस हाइट तो है। ओ भाई भाई बाइक नहीं चढ़ती इनसे है। तो गाइस चेक करो भाई हाइट तो गाइस है काफ़ी ऊपर तक देखो। तो मैंने बोला था भाई साइकिल गियर चढ़ाना बट बोले भाई बंद हो जाएगा। एंड भाई जो स्टोन्स होते हैं गाइस स्टोन्स कितने बड़े बड़े हैं, तो गाइस काफ़ी हाइट है भाई, थर्ड गियर में भी मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ। ओ एम जी गाइस लोकेशन चेक करो भाई कितनी हाइट पे आ गए। एक गियर डाउन कर लेते हैं क्योंकि सेकंड पे गाइस अपने को मैक्सिमम चढ़ाना होता है उतारना होता है। बस ब्रो स्टे। अपनी स्कूटी भाई अभी क्रैश हो गया, मतलब मेरी स्कूटी मान लो मैं यहाँ से कर्विंग कर रहा था, काफ़ी स्पीड थी, मतलब नॉर्मली होगी 50-40 होगा, तो स्पीड कर्विंग करते हुए गए एंड बाइक की मतलब स्कूटी प्रॉपर हुआ गया कर्विंग करते हुए, तो स्कूटी प्रॉपर स्पीड पे रुक नहीं पाई एंड बिल्कुल मैं कर्विंग मारता तो आगे चले जाता बट अपनी सीधी यहाँ से बिल्कुल नीचे चले गई। मैंने मतलब स्पीड रोकने की कोशिश की बट उतनी रुकी नहीं, नॉर्मली स्पीड 10-20 बनी होगी बट मैंने सीधी अंदर ले गया, मुझे पता था कर्विंग करूंगा जब भी गिरता। तो देखो अभी क्या क्या मतलब स्क्रैच थोड़ा आ गया, पूरा इस पर मट्टी मट्टी है, इधर वाला साइड से पूरा ये लगा है एंड उस साइड से राइट वाला साइड से गाइस स्क्रैच काफ़ी आ गया। देखो आपको पहले यहाँ पे स्क्रैच नहीं था, अपना जो पैडिंग है पैडिंग में निकल गया, हेलमेट सही है, हेलमेट हमने पहन रखा था तो हेलमेट भी खुल गया था। यहाँ पे हो गया अपना एंड, दिखा तो कहाँ से एक्चुअली गया था। तो हुआ क्या था कि जैसे वहाँ से हम बिल्कुल कर्विंग लेके आ रहे थे स्ट्रेट आए बिल्कुल यहाँ पे, एंड गाड़ी देखो स्लो कर रहा था स्लो बट हुआ नहीं, बट मैंने यहाँ से उतार दी तो अपनी गाड़ी बिल्कुल यहाँ से गई है। देखो टायर अंदर गया फिर भाई गाड़ी वहाँ चली गई थी एंड हम वहाँ पे था तो कुछ ऐसा था, बट फाइनली हमने बाहर इसको निकाल लिया। अभी ज़्यादा स्क्रैच नहीं है, नॉर्मल स्क्रैच है बट ठीक है, कर्विंग पे रुकी नहीं थी इसलिए अपना गाड़ी अंदर चले गया, राइट से भी दोनों साइड से मतलब थोड़ा थोड़ा हो गया। चलो ठीक है, जैसा भी हुआ अभी अपना कैमरा ऑन नहीं था, अब निकलते थोड़ा अब स्लो चलाएंगे, देखो कितना मट्टी मट्टी हो गया पूरे।